जी नाज़रीन, स्टार न्यूज़ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। विहाड़ी का रिहायशी पाक फौज का जवान मोहम्मद सरफराज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के ऑफिसरान और जवानों समेत मुअज्जज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। विहाड़ी के नवाही इलाका 357 ईबी का रिहायशी मोहम्मद सरफराज व जुल्फकार अंसारी पाक फौज में भर्ती होने के बाद बन्नू जानी खेल में ड्यूटी पर था कि दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गया। मोहम्मद सरफराज ने सोगवरान में माँ बाप के अलावा 6 भाई और 3 बहनों को गमजदा छोड़ा है। मोहम्मद सरफराज को उनके आबाई कब्रिस्तान 357 ईबी में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ आनर भी पेश किया। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर काशिफ समेत पाक फौज के ऑफिसरान और जवानों के अलावा मुअज्जज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद के वालिद जुल्फकार ने कहा कि उसे अपने बेटे पर फख्र है और पाक वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। शहीद के दोस्त और क्लास फेलो जहीर असलम मिर्ज़ा ने कहा कि सरफराज शुरू दिन से ही पाक फौज से मोहब्बत करता था और इसकी ये ख्वाहिश भी थी कि वो पाक धरती पर कुर्बान हो जाए। आज वो हम करोड़ों लोगों की हिफाजत करते हुए अल्लाह की राह में पाक वतन पर कुर्बान हो गया। हमें फ़ख्र है कि मेरा क्लास फेलो और दोस्त था।